अब वक्त है कि छोटे बच्चे दोबारा से सामने तशरीफ लाएं और टैबलू पेश करें। इसलिए कि इसमें इस कदर खुशी मिलती है कि आप जितना अपने प्रोफाइल को ऊपर लेते जाएं उतना आपकी खुशियाँ कम होती जाती हैं। जितना लोग प्रोफाइल पे रहें, बहन भाइयों के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें, अब जितने लोग हैं सबके साथ रहें, आप अपने आप को हर एक के साथ लेकर चलें, तो वही उसमें जितनी खुशियाँ हैं वो किसी और चीज़ में कतई नहीं है। दूसरा, सैमसन साहब ने, छोटे भाई हैं, हमेशा इन्होंने मुझे बड़े भाई का दर्जा दिया, मैं मशहूर हूँ आपका। और कहा जाता है कि ये बहुत काम करते हैं, शायद मैं आपसे एग्री ना करूँ, इसलिए कि जो आने वाला वक्त है और जो आने वाला वक्त में अल्लाह ताला ने इनको चुना हुआ है जिन कामों के लिए, वो बहुत बड़े हैं, वो बड़ा कैनवस है, उस पर बहुत बड़ा, और इनकी टीम जो है वो तमाम की तमाम टीम काबिल तहसीन है। उनको जितना उनको कहा जाए उतना ही काम है, जितनी उनकी एफर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। विदाउट टीम लीडर आगे काम नहीं होता, और विदाउट टीम टीम लीडर कुछ नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा बनाया हुआ है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, और जो आप ये जब तक सेक्रीफाइशल अपना ना हो ना, आप सेक्रीफाइस का जज्बा ना हो, जब तक आप किसी चीज़ में नहीं कर सकते। वक्त की भी देखें, ये कंट्रीब्यूशन है, आप जो अपना वक्त दे रहे हैं, तमाम लोग वक्त दे रहे हैं, और वक्त की भी जो है इससे कीमती चीज़ कोई नहीं है। आप कुछ भी दें, आप उसकी कोई वैल्यू होती है, बट वक्त की वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो यू कांट बाय इट, किसी भी प्राइस पे आपको वक्त नहीं मिलता। बाजी साहब तशरीफ फरमाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इतने सीनियर लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब ये है कि हम बात करते हैं मैरी क्रिसमस, और ये क्रिसमस का त्यौहार है कि हमारा जो क्रिसमस है, क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिश्चियनिटी जो है मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, ऐसे ही है जी। तो
अब आप ये देखें कि इस मज़हब में इंसानियत इतनी है, और फिर अगर इसके अलावा बाकी अगर मज़ाहिब में भी देखें, जैसे इंटरफेथ हारमोनी की बात करते हैं हमारे छोटे भाई सैमसन साहब, तो इंटरफेथ हारमोनी जो है इट्स एन अल्टीमेट पीस। अगर आपको दुनिया में पीस लाना है, सुकून लाना है, तो इंटरफेथ हारमोनी से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है। किसी मज़हब में आप ले लें, कोई मज़हब ले लें, मुस्लिम ले लें, ईसाई क्रिश्चियन ले लें, हिंदू ले लें, अपना सिखों का ले लें, कोई मज़हब ले लें, तमाम में जब भी कोई अल्टीमेट बात होती है भगवान की, गुरु की, अल्लाह की, गॉड की, तो उंगली किधर जाती है? ऊपर जाती है। तमाम जो मज़ाहिब हैं उनका अगर आप उनको मिक्स कर दें और उसका निचोड़ निकालें, तो हर मज़हब का निचोड़ इंसानियत निकलेगा, प्यार निकलेगा, मोहब्बत निकलेगा, इंसानियत से ज़्यादा कोई अहम चीज़ नहीं है। इसी को हमें फ़रोग करना है। आप सब लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं छोटे भाई के लिए सैमसन साहब की कॉज में कुछ कर सकूँ। ये दावत दूंगा जनाब सोहेल रजा साहब को। आप हैं इंटरफेथ रिलेशंस के डायरेक्टर हैं मिनहाज कुरान, जनाब सोहेल रजा साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम सैमसन सलामत साहिब चेयरमैन रवादारी तहरीक, और इस हाल में मौजूद हमारे तमाम मसीही बहन भाई, मैं आपको अपनी जानिब से और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की जानिब से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज खुशी का मौका है और आपके चेहरों पर जो ये खुशी है, यकीनन हमें भी इस बात की खुशी है कि हमारे मसीही बहन भाई इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आज़ादी के साथ अपनी मजहबी इबादत अदा कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहतरम सैमसन सलामत साहिब ने जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस मसीह नाजरी, जिन्होंने के नासरत में पैदाइश की हुई, मैं समझता हूँ कि आज ना सिर्फ मसीही बल्कि अहले इस्लाम को भी उसी तरह खुशी मनानी चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौमे विलादत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, ये वो हस्ती है कि जिसने इस दुनिया में आकर अमन का पैगाम दिया, अखुवत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, और जिस तरह मोहतरम सैमसन सलामत साहब ने कहा कि नॉन वायलेंट का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, ये वो बातें हैं कि हुस्ने माशरत कायम करने के लिए और माशरे को अमन का पैगंबर बनाने के लिए ये बातें पलपट से भी होनी चाहिए, और मिंबर से भी, मस्जिद से भी और चर्च से। हम ज़्यादा फोकस करते हैं अकायद पर, लेकिन ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हुस्ने माशरत पर, लोगों की भलाई, जिस तरह के सैमसन साहब ने रोशनी डाली। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस की तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। और हम दुआ करते हैं कि खुदा उस सरजमीन जहां पर जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई उसको अमन अता करे, वहां पर जो इंसानियत का खून हो रहा है खुदा उसको जल्द बंद करे, ताकि वहाँ लोग अमन के साथ रह सकें। और एक बार फिर आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद।
आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और हम सब मिलकर इस वतन अजीज पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएं। हमें फख्र है कि हम यहाँ पर मसीही, मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी, बहाई, हम सब मिलकर अपने त्यौहार मनाते हैं। मोहतरम काशिफ नवाब साहब, मोहतरम रेवरेंड फराज मलिक साहब, हमने यहाँ पर मिलाद पाक की कथा बनाया। मोहतरम सैमसन साहब हमेशा ईद मिलाद भी मनाते हैं, क्रिसमस तो मनाया ही जाता है। हमें सिखों का बाबा गुरु नानक का योम पैदाइश हो या बैसाखी हो या होली हो या दिवाली हो, ये वो तमाम जो मजाहिब के जो त्यौहार हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये शऊर हमें दिया है। और ये बात भी काबिले फख्र है कि इंटरफेथ हार्मनी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हार्मनी जो पर काम करने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक शहर लाहौर से है। तो मैं अहले लाहौर को भी बार बार पेश करता हूं कि लाहौर ने ऐसे ऐसे सबूत पैदा किए हैं कि जो इंटरफेथ हार्मनी पर ना सिर्फ इलाकाई सतह पर, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर, बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर इस अजीम मिशन पर काम कर रहे हैं। खुदा आप सबको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल रजा साहब, आपकी बातें हैं तो बहुत ही खूबसूरत हैं इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, और हमें जो है वो इस बात का पूरी तरह से यकीन भी है कि हम सब में रवादारी होनी चाहिए और रवादारी ही तमाम मसाइल का हल है, ठीक है। और वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं, वो बात की किसी और मीटिंग में, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रवादारी है, तो वो रवादारी तहरीक पाकिस्तान जनाब संसद सलामत की रवादारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, रवादारी तहरीक जिंदाबाद, रवादारी तहरीक जिंदाबाद। सिर्फ ये एक नोट के साथ कि यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद जनाब संसद सलामत साहब ने भी, चेयरमैन रवादारी तहरीक पाकिस्तान ने भी अपनी स्पीच में बहुत वाज़ेह तौर पे हाईलाइट किया कि वो इसलिए आया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाए और अंधों को बेनाई दे और कुचले हुओं को आजाद करे और कैदियों को रिहाई दे और खुदाम के साले मकबूल की मुरादी दे। तो अभी मैं जो है वो आप सब की तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि एंजॉय करने का मौका है और जनाब एमन जॉन हमारे सामने वो गीत पेश करेंगे, क्रिसमस गज़ल पेश करेंगे क्रिसमस के हवाले से। जी Oh,
कि यहाँ तो इंसान को इंसान
आपने सुना है नाम, तो हजरत मियां मीर जो है ये जब अपनी जिंदगी में तबलीग करते थे लाहौर के अंदर, तो लाहौर को ही उन्होंने अपना तबलीग का जो है वो मरकज बनाया। तो उस वक्त जो है वो सिखों के पांचवे गुरु गुरुदेव लाहौर में तशरीफ लाए और यहाँ उन्होंने भी उनके साथ संगत की और उसका नतीजा ये निकला कि अमृतसर की जो इस वक्त गोल्डन टेम्पल है उसका संगे बुनियाद जो है वो हजरत मियां मीर ने रखा जो है वो गुरुदेव के साथ मिलकर। तो ये रवादारी है, दिस इज टॉलरेंस एंड ये खूबसूरत है। जी थैंक यू। एक जो कोशिश रही है हमारी वो ये कि लाहौर चूंकि किसी वक्त आर्ट और म्यूजिक का हब रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कल्चर लाहौर से ना पैदा होता जा रहा है। तो हम पंजाब रवादारी फेस्टिवल में भी देखा कि हमने म्यूजिक को बहुत भरपूर टाइम किया और आज भी हमने बहाना ढूंढा कि आखिर में कुछ जो है वो हमारी तफरी तबाह के लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि हम सब कुछ हो सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाहौरियों को म्यूजिक सुनना भी आना चाहिए कि महफिल जो है वो कैसे सुननी है। आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे और सुनेंगे भी। नेमन के लिए म्यूजिक सुनना एक आर्ट है और माफी चाहता हूँ मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि आजकल हम ना मौसीकी सुनते नहीं है, फोन लेके बैठ जाते हैं, मौसीकी पे तो जो कम है जो लम्हा गुजर जाएगा वो वापस नहीं आता। तो अगर आपका फोन इतना इम्पोर्टेंट है आ रहे तो फिर आप तकरीब मतलब मौसीकी को मिस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें हमारे सोचने की बात, ये जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है ना पाकिस्तान में, इसकी एक वजह ये कि हम आर्ट और म्यूजिक कल्चर से दूर हो गए, तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच एक मरतबा फिर तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया और प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, आपने स्टेज को संभाला है, हमारे जो साउंड वाले दोस्त हैं भाई हैं और ये हमारे इनका भी बहुत शुक्रिया। तो आप सबके लिए हमने एक बहुत ही रवादाराना डिनर का इंतजाम किया है। आज रवादारी तहरीक की अगली सेलिब्रेशन जो है वो शेखुपुरा में हम अभी निकलूंगा मैं भट्टा मजदूरों के साथ है, अब हम क्रिसमस जो है वो उनके साथ जाके मनाएंगे। तो दुआओं में याद रखें। हाफिज़ सुहेब जो है वो काना से हैं, इनकी टीम आई है और इनके मदरसे का नाम क्या है, खदीजतुल कुबरा मदरसा है लड़कियों का बच्चियों का।
जी नाज़रीन, आज हमने रवादारी की एक और जो तकरीब है उसमें आके शमूलियत की और हमने देखा कि रवादारी तहरीक ने NCCP में एक क्रिसमस का जो प्रोग्राम है उसका अहतमाम किया। तो सैमसन सामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से और क्रिसमस के हवाले से कोई मैसेज? क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट लव एंड शेयरिंग। आज रवादारी तहरीक ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद रखने वालों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है और हम सब ने मिलकर क्रिसमस का केक काटा है। हमारे मुसलमान बहन भाई, हिंदू बहन भाई, मसीही बहन भाई आज सब इकट्ठे थे और यहाँ पर हमने मज़हबी रवादारी का एक पैगाम जो है वो पूरे पाकिस्तान को दिया है। आप जानते हैं कि रवादारी तहरीक में तमाम मज़ाहब के लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। हम होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर, बाबा गुरु नानक का जन्मदिन, ईद मिलादुन्नबी, हम सारी ईदें इकट्ठी मनाते हैं और आज हमने क्रिसमस भी जो है वो मिलकर मनाया है। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऐलान किया था कि हम अगला जो प्रोग्राम है, अगला जो इवेंट है वो भट्टों पे जाके कर रहे हैं, इसके बारे में? जी, हम समझते हैं कि यसु मसीह का इस दुनिया में जो उनकी सारी जदोजहद थी, खिदमत थी, वो उन लोगों के लिए थी जो ठुकराए हुए थे, कमज़ोर थे, लाचार, कैदी, जिनको कोई पूछता नहीं था, कोड़ी। तो हम समझते हैं कि ये जो भट्टों पर काम करने वाले हमारे बहन भाई हैं या जो सफाई का काम करते हैं, सैनिटरी वर्कर या ख्वाजा सरा हैं, जो यहाँ पर गरीब कमज़ोर मेहनत कश लोग हैं, ये ज़रूरत है कि हम इस क्रिसमस पर उनके साथ जाएं और अपनी खुशियां उनके साथ बांटें, उनके साथ जाकर सेलिब्रेट करें। तो आज हम शेखुपुरा में जा रहे हैं और वहां हम जो बट्टा मज़दूर हमारे बहन भाई हैं उनके साथ जो है वो जाकर क्रिसमस का केक काटेंगे। जी सर, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कि रवादारी तहरीक के जो चेयरमैन हैं सैमसन सलामत साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही और उन्होंने कहा कि क्रिसमस जो है वो मोहब्बत और खुशियां बांटने का इवेंट है और ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है जो उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म से दिया। और उन्होंने ये कहा कि अभी हम जा रहे हैं शेखुपुरा में, जहाँ पे भट्टा मज़दूर जो हैं उनके साथ क्रिसमस की खुशियों को हम शेयर करेंगे, हम बांटेंगे, ताकि हकीकत में हम जो क्रिसमस का जो मैसेज है वो एक तो उनके साथ बांट सकें और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया तक रवादारी तहरीक की जो रवायत है उसको हम इसी तरह से पहुंचाने का जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, रवादारी तहरीक पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। जी, अभी आपने ये सारी बातचीत को सुना है और रवादारी तहरीक ने अपनी रवायत को कायम रखते हुए क्रिसमस की एक बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन यहाँ पे की और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, इसके अलावा सिख या जो दूसरे मसीही बहन भाई हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके आज क्रिसमस के केक को काट कर एक बड़ा मोहब्बत का जो पैगाम है पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखें और अगर आप सोचते हैं कि रवादारी तहरीक एक अच्छा काम कर रही है तो आप ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाला करें ताकि हम इस बात को महसूस करें कि वाकई ही आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते रहें ताकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे जो लोग हैं वो मोहब्बत और जो रवादारी है उसका एक बड़ा मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से इस क्रिसमस के मौका पर अपनी मोहब्बत का इजहार इस तौर से करें कि इन लोगों के लिए जो कि भट्टा मजदूर हैं उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कहें ताकि एक अच्छा पैगाम और जो उनको मोहब्बत की ज़रूरत है उन तक ये मोहब्बत पहुँच सके। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक पैरों को दे इजाज़त।